केजरीवाल करा रहा बेबुनियाद। सुनिए सुनिए सुनिए, आप नहीं नहीं आप एक बात बताइए, बेबुनियाद है। जनता पार्टी आरोपी है, मोदी जी ने जो नारा छोड़ा था मोदी का बेबुनियाद है। ये देख रही हो, ये देख रही, ये भले करने आए हैं लोग, ये भारतीय जनता पार्टी भेजने वाले लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ देश द्रोही हो तुम, भाई भाजपा की आइडियोलॉजी है, गुंडागर्दी करो, लोगों को धर्म में बांटो, लोगों को धर्म में बांटो, आप बोलिए सब कोई सुनिए। मैं क्योंकि सुनिए, मैं बीजेपी सरकार घबराई हुई है, बीजेपी के लोग हम क्यों घबराएंगे, बहन जी घबराई हुई है, बहन जी घबराई हुई है सरकार। हाँ, सास की टेररिज्म हो रहा है, उन पे विश्वास नहीं है। किस पर? कानून पे बहुत विश्वास है, मगर रक्षक ही भक्षक बन गया यहाँ पर। मैंने पे टैक्स दिया हूँ सरकार को, इनकम टैक्स दे करके सरकार ये व्यवस्था करती है, और व्यवस्था करने वाले जनता जो आरोप लगा रही है उसी के खिलाफ उस पुलिस के बल का उपयोग कर रही है। ये तौलिया और क्या, भाजपा का कमल बिल्कुल फेंक देना चाहिए, ये नेतृत्वहीन सरकार हो चुकी है। किसी को भी तौलिया डालने का अधिकार नहीं है, जो बेटियों के लिए न्याय के लिए, अभी पता चला इनको एक महीने बाद। ब्रजभूषण इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, क्या किसी के साथ ऐसा होता है? क्या मैंने बेटी समझ करके उनको हाथ लगाया था, कहीं कुछ समझ करके हाथ लगाया था? कि क्या हो रहा है देश में? उस कानून की धज्जी उड़ा दी, पुलिस ने उड़ा दी, गृह मंत्री ने उड़ा दिया, और पूरी सरकार ने उड़ा दिया। पास्को एक्ट बना हुआ है पूरे देश के अंदर, पास्को एक्ट, जैसे कि इसके पहले एक दहेज का एक्ट था। सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं और हम इनसे बात करेंगे। ये जो है पहलवानों के समर्थन में आए हैं, और अभी आपको बता दें कि पहलवानों का लगभग एक महीना पूरा होने वाला है यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। तमाम तरह के वाद विवाद हुए हैं इस बीच, ब्रजभूषण शरण सिंह के इधर से बहुत सारे ट्वीट आए हैं और इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। हालांकि हम इनसे बात करेंगे, किस तरीके से आप इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं? मैं न्याय के और कानून की दृष्टि से देखना चाहता हूं। इन बच्चियों के खिलाफ अन्याय हुआ है उनके साथ में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखाया है, रिपोर्ट लिखते बराबर कानून ने अपना काम नहीं किया है, जो कि कानून कार्यपालिका में बना हुआ है। अगर कोई रिपोर्ट देने जाता है जिसके साथ तकलीफ होती है, अन्याय होता है, तो पुलिस ने उस कानून की धज्जी उड़ा दी, पुलिस ने उड़ा दी, गृह मंत्री ने उड़ा दिया, और पूरी सरकार ने उड़ा दिया। पास्को एक्ट बना हुआ है पूरे देश के अंदर, पास्को एक्ट, जैसे कि इसके पहले एक दहेज का एक्ट था, तुरंत कार्रवाई होती थी, वैसे पास्को एक्ट था। ब्रजभूषण इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, क्या किसी के साथ ऐसा होता है? क्या मैंने बेटी समझ करके उनको हाथ लगाया था, कहीं कुछ समझ करके हाथ लगाया था? कि क्या हो रहा है देश में? तो बेटी अपनी इज्जत के खिलाफ कोई बोलेगी क्या? आप तो एक बच्ची है, आप ही खुद सोच के देख लीजिए। बोल रहे राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? वो कोई राजनीति किसी बीजेपी कांग्रेस किसी की है क्या? सदस्य है क्या? वो कभी झंडा उठाई देखे क्या आपने? उनको कह तो रहे हैं कि कहने से हो जाएगा क्या? वो किसी के सदस्य है क्या? वो तो रेसलर है, रेसलर खिलाड़ी है। आप देखेंगे खिलाड़ी भी बीजेपी में है कुछ लोग। अरे काहे के बीजेपी में है, वो अपनी रेस करते हैं। नहीं देखा नहीं आपने, पीटी उषा है। अरे पीटी उषा हो गई रिटायर, अब उसको सम्मान चाहिए, और अब उसको उनसे बीजेपी से कुछ चाहिए। एक जमाना था कि पीटी उषा इनके समान थी और कैसे देश का नाम ऊंचा करती थी, मगर आज वो खेल से निकल करके आज उसको संरक्षण चाहिए और अपना पद चाहिए। आज उसको इन कन्याओं के साथ में होना था। वो लोग वो तो कह रहे हैं कि ये लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आपका दिमाग, आपको मैं क्या समझाऊं? पास्को एक्ट बना हुआ है, उस इसके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसको पास्को के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहिए, नियमानुसार, नियम कानून। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आप लोग अपना प्रदर्शन बंद कर दो, कानून पे भरोसा। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है, अपराधी है रिपोर्ट के अंदर में। ये बच्चिया फिरियादी है, ये बच्ची फिरियादी है, और अनुराग ठाकुर और ब्रजभूषण और उसके साथी लोग अपराधी है, उसका नाम अपराधियों में है। किसकी बात सुना रहे हैं आप मुझे? अपराधी की सुनिए। कल तो ब्रजभूषण ने कह दिया है कि हम वो सारे पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। तो पुलिस क्या कर रही है फिर? क्या बचा? ये भी तो तैयार है, वो भी तैयार है। फिर कहाँ लगड़ा है? झगड़ा ही कहाँ है? बोलने से थोड़ी होगा। एक है उसमें क्या है कि जैसे इन्होंने तीनों का नाम लिया है, विनेश फोगाट का और बजरंग पुनिया का। अरे जो सात जो लड़की है आगे, उनका भी तो टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, बताइए ना, उनका टेस्ट क्यों नहीं होगा? इधर तो उनका टेस्ट करना चाहिए। अभी रिपोर्ट जिसने दिया उसका होगा, और रिपोर्ट देने वाले ने जितनों का नाम लगाया उनका होगा।
जब वो लड़कियां देना चाहेगी तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती, वो उनकी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कुछ नहीं है सर, उनकी रिपोर्ट एक बात आपको समझता है, कानून समझता है? नहीं, कानून क्या है? जब एक बात कानून का हक ये बनता है कि जब उन्होंने अपने बयान दे दिए और उनके एफिडेविट जमा हो चुके, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, सातों के साथ में एक नाबालिग लड़की भी है उनके साथ में, तो उनका मतलब टेस्ट नहीं होगा? बताइए, इधर बताइए, मैं बताता हूँ कौन सा उनका टेस्ट होगा नहीं होगा, वो कोर्ट देख लेगा। हाँ। पुलिस का काम है यहाँ से ले जा करके दोनों को फट से वहाँ पर। बैठी है बताइए, पुलिस तो यहाँ खुद उल्टा उल्टा अत्याचार, पुलिस तो यहाँ उल्टा अत्याचार अन्याय कर रही है, उल्टा गुंडागिरी कर रही है, सास की टेररिज्म कर रही है। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, सास की टेररिज्म, टेररिस्ट समझता टेररिज्म किसको बोलते हैं? हाँ, सास की टेररिज्म हो रहा है। उन पे विश्वास नहीं है? किस पर? कानून पे बहुत विश्वास है, मगर रक्षक ही भक्षक बन गया यहाँ पर। मैंने पे टैक्स दिया हूँ सरकार को, इनकम टैक्स दे करके सरकार ये व्यवस्था करती है, और व्यवस्था करने वाले जनता जो आरोप लगा रही है उसी के खिलाफ उस पुलिस के बल का उपयोग कर रही है। आप इसकी फोटो ले लीजिए चारों तरफ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन सहयोग देने आया है कि यहाँ पर उल्टा यहाँ पर तानाशाही करने के लिए आया है? जनता की आवाज के लिए चौथा स्तंभ है ना, प्रशासन भी किसी के अंदर में है ना? हाँ, अंदर में, वही तो बोल रहा हूँ ना, तो गुंडागिरी हो गई ना, सास की गुंडागिरी बोलते हैं इसको। हाँ, तो हमारे बाप दादा ने हमारी जमींदारी थी, मतलब है कि पुलिस के ऊपर डीएसपी है। एक सुनिए, मेरे बाप दादा ने अपनी जमींदारी 1947 के पहले जो अबॉलिश की है ना, वो ये कानून के लिए नहीं की थी कि सास की टेररिज्म होगा। सरकार क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन का वक्त है। हाँ जी, तुरंत, ये बहुत बड़ी घटना है। मोदी साहब, आपने 600 कांस्टेंसी में अपने पूरे वोटर बिगाड़ दिए। मोदी जी पे आपने जो इतना बड़ा आरोप लगाया और मोदी जी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, आप अभी देखिए मीडिया में, आप नेशनल मीडिया में देखेंगे, आज तक वगैरह जो भी चैनल है उसपे एक रिपोर्ट आई है कि मोदी जी फिर से लोकप्रिय नेता हो गए हैं। इधर आइए, मैं मोदी जी का ही फेवरेबल व्यक्ति हूँ, वोटर हूँ, और उनको बहुत अच्छे से चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। एक दो काम बताइए। अरे बाबा, उससे क्या करना है, काम ही काम कर रहे जनता के पक्ष में, मगर उनका काम गिनवा दीजिए, उन्होंने क्या काम करा है। इधर सुनिए, नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं देता, क्या राम मंदिर वो बना पाते, ये बताइए ना। मंदिर को छोड़ दीजिए। अरे सर, ये बोलते हैं कि मोदी जी ने वो काम करा दिया, मोदी जी ने जो 2014 में घोषणा की थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, कि हमें आज तक नहीं मिले वो। बताइए, देखिए, मुझे वो नहीं मालूम, 370 खत्म किया उन्होंने, 370 हटाने में कौन सा इन्हें महाभारत जीत लिया, बताओ ना, 370 में कौन सा इन्हें महाभारत जीत लिया? बहुत सारी गंदगी को ठीक किया योगी जी ने, बहुत सारी गंदगी को ठीक किया। सुनिए, अब मैं ये बात पूछ रहा हूँ, योगी जी ने ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती किया। देखिए, योगी जी ने क्या किया है, 7 साल की लड़की कन्नौज में उनका रेप किया जाता, उनका इंसाफ नहीं मिला, उनके परिवार वालों को एक हाथरस कांड में उनको उसको जिंदा पुलिस प्रशासन, योगी जी का पुलिस प्रशासन ठाड़े है के देख रहा है, उनके बलात्कार किया जाता उनकी बेटियों के साथ में, उनका माँ बाप इंसाफ मांगते हैं। योगी जी की सरकार है वो, अगर योगी जी की सरकार होती ना तो ये जो बैठे ना, हटे बैठे मंत्री संतरी जो बैठे, ये मिट्टी मिले होते। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो गंदगी फैला रही है, मैं आज कह रहा हूँ। मैं बताइए, ये जो ना अंधभक्त है, ये अंधभक्त बोला जाता है इन लोगों को, जो कि उनको जब ये नहीं पता देश के बारे में कि देश में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होती है, तो महिलाओं की सुरक्षा ये देख लो ना। मैडम, मैडम को बुलाओ ना, कोई हम कोई डरते हैं क्या, बुलाओ, क्या हो गया, मैम बेटी बैठी है, बताओ। नहीं, महिलाओं के बारे में इधर आइए। हाँ, ये देखिए, आ रही है जनता पार्टी से आप इनको क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आ रहे हैं वो, मेरी मीडिया वाली दूसरी आ रहे हैं, बोलिए क्या क्या चाहिए आपको, बोलो। क्या ये आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने आपको फेंक देना चाहिए, ये बताइए, ये आपने जो लगा रखा है, सुनो, मेरी पहचान है क्यों? नहीं, आपको एक बात बताइए, ये तौलिया और क्या, भाजपा का कमल बिल्कुल फेंक देना चाहिए, ये नेतृत्वहीन सरकार हो चुकी है, ये किसी को भी तौलिया डालने का अधिकार नहीं है, जो बेटियों के लिए, न्याय के लिए, अभी पता चला इनको एक महीने बाद के तौलिया डाल के यहाँ आ गए राजनीति करने, आपके कहने पे उन्होंने उतार भी लिया, अरे आपके कहने पे, अरे मैडम, ये राजनीति करने आई है। और मैं एक चीज और भी बता दूं, अभी आपने सुनो मेरी बात, सुनो पहले एक बात सुन लो मेरी, इसके बाद बोल रहे हैं आप, जो आपने अभी शब्द कहा था कि मोदी जी को लोकप्रिय बताया जा रहा है, कहा था, आप सुनना मेरी बात, अभी आप देख सकते हैं उन महिला पे हमारे कैमरा पर्सन जूम करेंगे, जिन्होंने कहा था, आप हटिए जरा, उन्होंने कहा था तौलिया हटा लीजिए, उन्होंने हटा लिया है तौलिया, अब आप क्या कहेंगे, डर गई है? डरना पड़ेगा साहब, डरना पड़ेगा, क्योंकि अपराध किया है,
सरकार भी अपराधी है इस समय, अपराधी है सरकार भी, बिल्कुल आपका कटघरे में खड़ा करना चाहिए सरकार को, सरकार भी अपराधी है। इसलिए मैं बता दूं आपको, मोदी लोकप्रिय है लेकिन कहां पे है, मेरी बात सुनिए आप। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए सर, आ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं। सबका अपनी 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 बात रखने का सबको अधिकार है। इन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी आप? क्या एक महीने से धरने पे और आप भी महिला हैं? जी, महिलाओं के लिए मेरी हमदर्दी है। मैं 40 साल पुरानी लीडर हूँ बीजेपी में, ठीक है। वो बहन बेटी भी मेरी बेटी है, बहने हैं मेरी जो आई हुई है। अगर उन पर अत्याचार होता तो हम भी उनके साथ होते, सरकार भी उनके साथ होती, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके साथ हम कैसे रहेंगे? क्या गलत हो रहा है? मतलब ये लोग जो इल्जाम लगा रही है बेबुनियादी है। बेबुनियादी है बिल्कुल सरासर, ये केजरीवाल करा रहा है बेबुनियादी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप आरोपी है मोदी जी ने जो नारा छोड़ा था, अगर मेरे साथ बलात्कार होता है या मुझे छेड़ा जाता है तो भैया मैं उसी दिन जाऊंगी। शांत रहिए, बिल्कुल बेबुनियादी है। और आप क्या कह रहे हैं? ये सारा बेबुनियाद है मैडम, ये सिर्फ केजरीवाल और कांग्रेस करा रही है, हमारे मोदी से करिए गरम, कोई मत होइए। डरते डरने वाली कोई नहीं डरता है, लोकतंत्र संविधान से देश चलता है, डरना किसी को नहीं चाहिए। बोलने का मेरा अधिकार है, सुनो मेरी बात, मेरा अधिकार है। आप इनको क्या कुछ कहें? अरे मैं इनको सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ इनसे कि ये चिल्लाना है कि नहीं, और अपनी बात नम्रता से रखें, सावधानी से रखें चिल्लाना। अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप बोलिए, सब कोई सुनिए। मैं नहीं, क्योंकि सुनिए, मैं बीजेपी सरकार घबराई हुई है, बीजेपी के लोग हम क्यों घबराएंगे? बहन जी घबराई हुई है, बहन जी घबराए हुए है, सरकार सरकार है, घबरा रही है, इमरजेंसी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल शोषण कर रहा है जनता का और महिलाओं का। बेटियों पे क्या कह रहे हैं? सुनने नहीं दे रहे, बीजेपी सरकार है। आरोपी को मुझे बात करने ये भाजपा की आइडियोलॉजी मैडम ने अभी दिखा दिया। अच्छा, इनकी इनकी बात सुनिए मैडम, यही भाजपा की आइडियोलॉजी है, गुंडागर्दी करो, लोगों को धर्म में बांटो, लोगों को धर्म मैं ये बोल रहा हूँ, तो सच्चाई क्या है बताइए, सुनने दो, सुनो यहाँ बताइए, सुनो 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 सच्चाई क्या है, सुनो सुनो सच्चाई ये है, बोलने नहीं दे रहे, सच्चाई ये है कि जब ब्रजभूषण जी के पास, पेश करिए मैडम, ब्रजभूषण जी के पास लड़कियाँ गयी कोई भी काम लेकर गयी, तो ब्रजभूषण जी ने इनको छेड़ा, कह रही है मेरी यहाँ हाथ लगाया, कुछ भी किया, तो उसी दिन क्यों नहीं भाई FIR हुई? तो बाद में आई तो इंसाफ नहीं मिलेगा, यही तो सवाल है, लेट आने पे इंसाफ नहीं मिलता है? नहीं मिलता, लेट आने पे इंसाफ नहीं मिलता है, कानून में लिखा है, क्या कानून में लिखा है? नहीं मिला, किस कानून में लिखा है? किस कानून में लिखा है लेट आने पे इंसाफ नहीं होगा? सुनिए सुनिए, इंसाफ के लिए इन्होंने दरवाजा खटखटाया। हाँ बिल्कुल मैडम, ठीक है, क्यों नहीं मिला फिर इंसाफ? इंसाफ क्यों नहीं मिला? दरवाजे पे गए तो दिक्कत क्या है? जिसका FIR हुआ हो जाने दो, जांच होने दो, पुलिस जांच करेगी ना, बीजेपी तो जांच हो रही है, नहीं बीजेपी के नेता लेंगे नहीं, जब नहीं होने दो, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया सरकार को, बीजेपी जजमेंट देंगे क्या? बीजेपी के नेता जजमेंट देंगे क्या? होम मिनिस्टर केजरीवाल के पास बात बताओ, होम मिनिस्टर केजरीवाल के पास हां क्या बेबुनियादी बात कर रहे हो? बेबुनियादी बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, बेबुनियादी बात कर रहे हो आप, बेबुनियादी बात कर रहे हो, होम मिनिस्टर केजरीवाल के पास बात बताओ, आप बीजेपी के नाम पे विश्वास रखती है सारा, बीजेपी कानून पे विश्वास रखती है, निर्णय करेगी,
गवर्नमेंट कौन सुप्रीम कोर्ट करेगी निर्णय तो इसमें तो आदेश के एफआईआर पे गिरफ्तार कर लो, क्या दिक्कत है? गिरफ्तार की मांग करो ना, पुलिस से जाओ, आप सरकार में किसके डालो, हम तो साथ में है, अब सत्ता में हो, सच्चाई नहीं है, पॉक्सो के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, पॉक्सो में 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई। मेरी बात सुनिए, जो सच्चाई सामने निकल के आएगी तो गिरफ्तार क्यों नहीं होगा? ये कह रहे सच्चाई सामने निकल के आ रही है, यही तो है कि सरकार में आप दबाव डालो ना। हम तो दबाव, हम तो महीनों के साथ, आप यहाँ कह रहे हो कि फर्जी बैठे हैं, आप कह रहे हो कि फर्जी बैठे हैं, जा रही है क्या?